हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ होली स्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी इंस्टेंट बनने वाले ड्रिंक्स की ये रेसिपी, वो भी प्रीमिक्स के साथ। इसका प्रीमिक्स हम घर में रखी हुई चीजों से बना सकते हैं और ये ड्रिंक बिना मेहनत के मिनटों में बन के रेडी हो जाता है और इतना टेस्टी लगता है कि बार बार पीने का मन करेगा। और घर में कोई पार्टी हो, त्योहार हो या गेट टुगेदर हो, मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। और आप पहले से भी बना के रख सकते हैं और इतना टेस्टी लगता है कि सबको लगेगा कि आपने बाहर से ऑर्डर किया है। एक बार प्रीमिक्स बना लो, फिर जब मन चाहे इस ड्रिंक्स को बना सकते हैं। तो ये रेसिपी देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार लेना है और इसमें एक कप चीनी ऐड कर देनी है। अब चीनी को पीस लेना है और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। इस तरह चीनी का बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे और एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। फिर इसी मिक्सर जार में हमें ड्राई फ्रूट्स पीस लेने हैं। मैंने यहाँ पे हाफ कप काजू, हाफ कप बादाम और हाफ कप पिस्ता लिए हैं और इन सब में से थोड़े थोड़े निकाल लिए हैं, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। फिर इसमें थोड़े केसर के स्टेन डाल देंगे और इसका भी फाइन पाउडर बना लेना है। अगर मिक्सर जार बड़ा है तो हम इसे चीनी के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा जार लिया था तो अलग अलग पीसा है। अब इस पाउडर को भी हमें बोल में निकाल लेना है। फिर इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड कर देना है और इसके बाद हाफ कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। है ना बिल्कुल आसान। जिस कप से चीनी ली थी उसी कप से आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप कॉर्नफ्लोर लेना है। हम घर की कोई भी कटोरी या कप का माप सेट कर सकते हैं। दोनों चीजें चीनी से आधी आधी लेनी है। फिर इसमें चॉप किए हुए अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे ड्रिंक का प्रीमिक्स बन के रेडी हो गया है। इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 6-7 महीने और बाहर 2-3 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसमें अभी मैंने कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है, क्योंकि इससे हम हर बार अलग अलग फ्लेवर का बना सकते हैं। बनाते वक्त इसमें इलायची ऐड करने से केसर इलायची फ्लेवर और रोज एसेंस ऐड करने से रोज फ्लेवर, फिर मैंगो फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, इस तरह अपना मनपसंद फ्लेवर बना सकते हैं और हर बार नए फ्लेवर के ड्रिंक्स का आनंद ले सकते हैं। तो सिर्फ एक ही बार ये प्रीमिक्स बना के रेडी कर ले, फिर जब भी मन चाहे अपनी पसंद के बहुत सारे फ्लेवर के ड्रिंक्स बना के एंजॉय करें। अब हम इस प्रीमिक्स से ड्रिंक बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हमें आधा लीटर दूध लेना है। यहाँ पे हम दूध कोई भी ले सकते हैं, ठंडा, गरम, फुल क्रीम या कोई भी, जो भी घर में अवेलेबल हो। फिर हमें दूध को गर्म करने के लिए गैस पे रख देना है और पहले इसमें से 4 या 5 चम्मच ठंडा दूध अलग निकाल लेना है, जिसका हम बाद में यूज करेंगे। फिर दूध को गर्म होने देना है और दूध में एक बॉईल आने देना है। दूध में बॉईल आ गया है, अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देनी है। फिर हमने जो ठंडा दूध निकाल के रखा था उसमें प्रीमिक्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून प्रीमिक्स यूज किया है। यहाँ पे मैं 2 बड़े ग्लास ड्रिंक्स बना रही हूँ, इसलिए 3 टेबलस्पून प्रीमिक्स यूज किया है। छोटे एक ग्लास के लिए 1 टेबलस्पून प्रीमिक्स इनफ होता है। फिर इसे अच्छे से मिला के दूध में ऐड कर देना है और दूध को बीच बीच में हिलाते हुए थोड़ी देर पका लेना है। दूध को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाउडर की वजह से थोड़ी ही देर में दूध गाढ़ा होने लगेगा। मैं अभी वेनिला फ्लेवर बना रही हूँ, इसलिए इसमें आधा टेबलस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इसी टाइम पे हम कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो इसी टाइम पे थोड़ी चीनी ऐड कर सकते हैं। देखिए थोड़ी ही देर पकाने के बाद दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होगा तो ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। लगभग 7-8 मिनट में ही दूध गाढ़ा और क्रीमी हो गया है। अब गैस को बंद कर देना है और दूध को पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, फिर इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख देना है और जब हमें सर्व करना हो तब ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। केसर की वजह से इसमें हल्का सा येलो कलर आया है। अब इसे ग्लास में निकाल लेंगे, फिर इसे बाहर जैसा लुक देने के लिए ऊपर से थोड़ी सी आइसक्रीम ऐड कर देंगे। आइसक्रीम टोटली ऑप्शनल है, आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर ऊपर से चॉप की हुई ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा होली स्पेशल, त्योहार स्पेशल और पार्टी स्पेशल ड्रिंक्स बनके रेडी हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी ही परफेक्ट रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, एंजॉय।